बट मैंने इनिशिएट नहीं किया कि आ तू मेरा टारगेट है थक। और मुझे शुरुआत में ऑफर हुआ और तब नहीं टर्म्स क्लियर हुई और तब नहीं जा पाया, तो वाइल्ड कार्ड में जाना चाहिए। मैंने कहा छोड़ ना, जाते हैं, मैं वो डिग्निटी अपने लिए मेंटेन करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, हर कास्ट क्रीड सेक्स जाति हर के लिए, हर किसी के लिए मेंटेन करता हूँ। आपकी माफ़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जहाँ लोग एक हफ्ता नहीं टिक पाते आप तीन तीन हफ्ते टिक गए, कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? नहीं तो इज्जत दे रहा है या सब सकाजम है ये भाई, बता तो दे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट जी आई एम हैप्पी कि छोटी जर्नी रही है बट इम्पैक्टफुल रही है जैसा कि मैंने सुना है, तो आई एम हैप्पी कि लोगों ने नवाजा है, लोगों को मेरी सच्चाई पहुँच पाई है लोगों तक। बिल्कुल भी नहीं, क्या आपको लगता है कि मैं वो घर में इन्वॉल्व नहीं था या मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या मैंने गंदा खेला या मैंने प्लॉटिंग ऐसी की या मैं सच्चाई से नहीं खेला? मैं देखिए मेरे हाथ में जो है ये गेम का फॉर्मेट ऐसा है कि बहुत अनप्रडिक्टेबल है, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कॉन्विक्ट होगा या नहीं होगा, बट जो मेरे कंट्रोल में था मैंने वो किया और वो था सच्चाई से खेला। गुस्सा, प्यार, इज्जत, मजाक, नोकझोंक, दोस्ती जो भी था वो मैंने सच्चाई से किया। और ये नहीं कि गेम में आगे बढ़ने के लिए मैं एक दूसरे की टांगे काट के आगे बढ़ूँ या कान भर के आगे बढ़ूँ और ऐसे इनसिक्योरिटी से खेलूँ कि मैं नॉमिनेट आऊँ, मैं डंकी की चोट पर खेलूँ और सच्चाई से खेलूँ। और आई एम हैप्पी कि वो सच्चाई आप सब तक पहुँच पाई है। विकास, जब हम लोग आपके एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग ने एक्चुअली मोस्टली देखा कि आपके सिर्फ अर्चना के फाइट्स ज़्यादातर दिखाई दिए हैं जी, तो वॉज इट जस्ट योर एनवायरनमेंट फिर अर्चना द गेव यू लाइमलाइट कि आप और भी ज़्यादा चीज़ें कर चुके थे बट वी डिडंट गेट टू सी? एक्चुअली क्या है कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट या लड़ाई इनिशिएट नहीं करता। आप कभी भी ध्यान देंगे तो कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी शालीन के साथ हुआ हो, टीना के साथ हो, शिव के साथ हो, किसी के साथ, मैं कभी इनिशिएट नहीं करता। तो जब कोई पर अगर हर बार कोई इनिशिएट करके मुझे टारगेट करेगा तो मैं वहाँ पर पीछे बैठ के साइलेंट होने तो नहीं गया था, मुझे था कि बिल्कुल मैं अपनी सच्चाई बताऊँ। अब बार बार मुझे वो सब टारगेट करेंगे तो मैं खड़े होके लेता तो नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल आई विल स्टैंड अप फॉर व्हाट आई फील इज़ राइट एंड आई डिड दैट। और उसमें वो अर्चना ज़्यादा थी क्योंकि वो उनका ज़्यादा टारगेट था, बस शिव का था, वो सुमड़ी में खेलता है अपना एक भोला सा शक्ल का मास्क बना के पीछे से गेम खेलता है और वो गंदी गेम खेलता है, झूठ को सच बना के फिर ऑडियंस को फीड करता है। तो जब उसने वो करने की कोशिश की आई टुक द स्टैंड, बट मैंने इनिशिएट नहीं किया कि आ तू मेरा टारगेट है थक, वो नहीं किया मैंने। तो इसीलिए शायद अर्चना के साथ ज़्यादा दर्शाया गया क्योंकि वो मुद्दा छोटे से बड़े को बड़ा बना लेती और वही बात बड़ी होती गई तो उसमें कंटेंट मिला और मज़े आए लोगों को और इसीलिए वो पहुंचा आप सब तक। अच्छा, जब आप पहले दिन घर पे गए थे तो आपके फेवरेट्स पूछे थे सलमान खान ने, आपने कहा था कि शिव आपकी फेवरेट है और निम्रत आपकी फेवरेट जी, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि शिव के बारे में भी आप अर्चना को कहते नजर आ जी, तो वो चेंज कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ओपन माइंडेड से गया था और जब आप एक घंटे का एपिसोड देखते हैं तो आपको वो समझ आता है जो वो दिखा रहे हैं, बट जब आप सामने से किसी को देखते हैं तब आपको ये समझ आता है कि वो असलियत कैसी है उसकी और वो झूठा कितना है। तो मैं जाकर मैंने बहुत जेन्युइनली वो बताया और बट जो शिव है, जैसे सपोज शिव जो है उसकी एक बहुत गंदी आदत है, वो भोला चेहरा बनाता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, वो कॉन्वर्सेशन में एक कोई वर्ड पकड़ेगा फिर उसको घुमा देगा और उस वर्ड को घुमा के कह देगा अच्छा अच्छा तो बस पता लग गया, बस पता लग गया और ऑडियंस देख लो और फिर कैमरे की तरफ दिखाना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं अभी भी हम तो एक दूसरे को देख के बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें कैमरे तक पहुँचाना है। तो ये एक बहुत ही ढोंगी तरीका है उसका जो वो बहुत ज़्यादा करता है। और ऐसे इंस्टेंसेस पे जब पहली बार भी जब मैं वो फर्स्ट वीक में भी जब टास्क हो रहा था हमारा कैप्टनसी का और उसने ये जाकर चीख कर बोला था कि तू होता तो ठीक है मैं बताता बाहर मिल, तो मैंने उसे बोला कि अच्छा तूने तो यहाँ नहीं उठाया तूने कभी किसी पे हाथ, तो उसी से उसको समझ आ गया। अगर मेरा वो टारगेट होता या मुझे उसको टारगेट करना होता कि मुझे ऐसी कोई चीज़ पता है जो मैं खेल सकता हूँ उसके अगेंस्ट, तो मैं कभी नहीं बताता उसको, मैं तो उसको प्लान करता फिर और सामने उसको कन्फ्रंट करके वीक करता। बट मेरा प्लान नहीं था, अगर तुम उसके बाद वो अगले दो हफ्ते ईजी रहा, उसको समझ आ गया, उसने प्रॉपर प्लान कर लिया साजिद जी के साथ शेयर करके और सबको बता दिया और फिर अपनी भोली शक्ल और एक स्टोरी कवर स्टोरी बना ली जिससे वो सही लगे और दूसरे गलत लगे
और फिर उसको वो सपोर्ट भी मिला कि हाँ कि वो सही है और बाकी सब गलत है और वो सोच कर आए हैं तो. पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा. मैंने जब उसने दोबारा से वो हरकत की मेरे सामने थर्ड वीक पे, तो आई स्टूड अप फॉर इट. ना मैंने पहले इनिशिएट किया था ना मैंने बाद में किया. टारगेट नहीं था, पर अगर तुम करोगे तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ऐसे बैठा रहूँगा और कहूँगा आ बैल मुझे मार. तो तू आके मारेगा तो तेरे हॉर्न से पकड़ के लड़ूंगा मैं तुझे. लेकिन उस चीज को आपने कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं की, क्योंकि साजिद के आप अगेंस्ट कभी गए ही नहीं और टीना और शालिन के साथ आपका गेम ही चल रहा था. तो बाहर के अपने टर्म्स को ठीक रखने के लिए फिर क्या कुछ था आपके दिमाग? क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, आप एक बार दोबारा देखिए, मैंने टीना को फेक कहा था, गुलाम नहीं कहा. शालिन की मैंने बात की, शालिन को गुलाम कहा था आपने. तो टीना और शालिन के साथ आपका गेम ही चल रहा था बिकॉज़ यू आर प्लेइंग समवेयर विद देम ओनली. नो, मैं किसी के साथ नहीं खेल रहा था. मैं साथ में उनके साथ जो इज्जत अफजाई कर रहे थे और रिस्पेक्टफुल अप्रोच से रहते थे, मैं बिल्कुल ओपन माइंड से गया था और उनको भी पता था. मैं बिल्कुल बहुत क्लियरली जब हमारी बातें भी हुई और मैंने कहा मैं यहाँ जीतने आया हूँ, हम हैं साथ में, हम इज्जत बरकरार रख रहे हैं, हमें लगता है कि सेम थॉट्स हैं हमारे बाकी मंडली की तरफ या कोई और जो ऐसे गंदगी के वाली गेम खेलते हैं, इसीलिए हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं. बट हर किसी को राइट है, पर अगर हमें लगा कि हमारे थॉट्स अलाइन हो सकते हैं और जैसे वो सब खेल रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं तो वाई नॉट. बट ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के लिए, अगर मुझे उसमें भी बीच में अगर मेरे शालिन के साथ कुछ हद तक दोस्ती बननी थी और मुझे लगा कि वो बेवकूफ़ है तो मैंने उसको बोला तू बेवकूफ़ है, मुझे लगा तू गधा है तो मैंने कहा तू गधा है. मैंने भी मैं इससे कोई छुपा नहीं और वो नहीं किया. और टीना ने भी अगर वो कहा तो मैंने उसे बोला कि ये क्या करने की ज़रूरत है, मतलब आई स्टूड अप फॉर व्हाट आई बिलीव्ड वाज राइट. इट वाज नॉट अ प्लान टू बी विद एनीबडी, द प्लान वाज टू बी विद माय ओन सेल्फ अलोन. मैं सच बताऊँ, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना अपने करीबियों को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितनी हमें करनी चाहिए, ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई. और मैं आई एम ए फैमिली मैन, तो मैं अदरवाइज जाने से पहले मैं रोज़ दिन में कम से कम 3 बार अपने घर वालों से वीडियो कॉल करता हूँ, गुंजन से, अपने नीज नेफ्यू सिस्टर से, आई एम वेरी कनेक्टेड. और सबसे ज़्यादा तो मैंने उन्हें मिस किया, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं इमोशनल हूँ उनको लेकर. और बट जो सीखने को मिला वो ये है कि कैसा फील होता है. मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि कैसा फील होता है कि आप सडनली सबसे कट ऑफ हैं और आप आइसोलेटेड हैं और आपके एक रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं काफ़ी सारी, काफ़ी हो सकती है और नहीं हो सकती और जो आप चाहते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहकर कैसा लगता है. मतलब मैं जब आज सुबह 5 बजे पैकअप हुआ और मैं गया तो मतलब 21 दिन के बाद ही मैं ऐसा लगा था मैं हवा में से बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे फिल्म का सीन चल रहा है और मैं बिल्डिंग्स देख रहा हूँ और हवा ले रहा हूँ. वाह, रोड्स पे लाइट लगी हुई है, न्यू ईयर है. तो मुझे लगा वाह, अरे रोड्स कितनी अच्छी लग रही है, ये बिल्डिंग कितनी सही लग रही है, तो लोग कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में शक्ल से. और फ़ोन तो मुझे पता ही नहीं, मतलब अभी भी नहीं हुआ है कि मेरे पास फ़ोन है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी खाने से लेकर, तो मैं अभी भी एडजस्ट कर रहा हूँ इसमें. तो जी कहीं लगा कि ये चीज़ तभी हुई थी, कहीं लगा मैं कट गया था, कहीं लगा मैं करियर में शूट पर नहीं जा पा रहा हूँ, वो चीज़ कहीं यहाँ पर नहीं. नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ. मुझे लगा कि कोविड हमारे लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए टेस्ट था, क्योंकि हमारा उस टाइम भी ह्यूमन टच कनेक्टेड था. हम हर कोई जितना चाहता था, जो नहीं भी चाहता था, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आया. आगे कितने लोगों ने ऐसी चीज़ें करी हैं कि आप रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि कितनी अच्छी डीड्स करी हैं. और लाइफ के मायने पता लगे कोविड में कि आप आज हैं और कल नहीं हैं. तो मुझे एक्चुअली ये लगा कि यार मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, और अगर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ बिग बॉस में जाना और मुझे शुरुआत में ऑफ़र हुआ और तब नहीं टर्म्स क्लियर हुई और तब नहीं जा पाया, तो वाइल्ड कार्ड में जाना चाहिए. मैंने कहा छोड़ ना, जाते हैं, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस. सो इसीलिए मैं गया, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रडिक्टेबल है. मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं मेरे टू डू लिस्ट में वो एक्सपीरियंस करना मैं चाहता हूँ और वो ना कर पाऊँ. तो हो सकता है, मुझे पता नहीं है. पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली स्टेट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कुछ और मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ. आपने अगर सुना होगा तो वो बात थी एग्जैक्ट ऐसे हुई कि
कि जो गुस्से में स्लिप ऑफ टंग था कि नीची जात वाली ऐसी, और उसने कहा जात मत बोलिए तो मैंने कहा सॉरी जात नहीं है, ये नीची सोच के बारे में बात है उसी लाइन में, और ये मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, आप फिर लाइफ पे चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो स्लिप ऑफ टंग के बाद मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ, और वो है जो स्लिप ऑफ टंग हुआ उसी सेकंड रियलाइज़ करके ही मैंने बोला, क्योंकि मेरी नीयत वो नहीं थी और वो इंटेंशन कभी नहीं रही है। और अगर आपने देखा है जब अर्चना ने मेरे लिए पर्सनल अटैक भी किया और कर्स किया, तो भी मैंने वो डिग्निटी लूज़ नहीं की कि जाकर मैं उसको बोलूँ या उसके फैमिली को बोलूँ। मैं वो डिग्निटी अपने लिए मेंटेन करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ, हर कास्ट क्रीड सेक्स जाति हर के लिए, हर किसी के लिए मेंटेन करता हूँ। और आई एम हैप्पी कि वो नीयत मेरी जो है वो लोगों तक पहुँच पाई है, इसीलिए बहुतों ने इस बात को सपोर्ट भी किया कि आपने तो बताया। वो बात लो तब हुई जब सौंदर्या ने उसको बात को घुमाया और खेलना चाहा कि अरे अर्चना का कान भरने के लिए कि उसने ऐसे जाती, जबकि वो नहीं था सच, तब ये बात ब्लो हुई है और ये वहाँ पहुँची। तो आप ये सोचिए कि ऐसे गेम खेलते हैं, और अगर फिर भी मेरे स्लिप ऑफ टंग से भी अगर किसी को ठेस पहुँची है, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन ना ही अभी है और ना ही कभी है किसी को हर्ट करने की, किसी के भी सेंटिमेंट्स को या किसी को नीचा दिखाने की। तो प्लीज़ आप ये इसे स्लिप ऑफ टंग समझ के और मुझे माफ़ कीजिएगा और भूल जाइएगा इस बात को, और अपना जो आपका प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उसको प्लीज़ बरकरार रखिए। अर्चना के साथ यू नो स्टार्टिंग वीक में आपकी जो मिमिक्री होती थी काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई, बट आपकी मस्ती आर्गुमेंट में चली गई, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा यू नो पर्सनल लेवल पर चली गई। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अर्चना दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो बोल देती गुस्से में आकर, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? वो बहुत दिल की साफ है जो ऐसी यू नो बोल देना किसी के? आपने दो सवाल पूछे हैं एक ही सवाल में, मैं पहले का जवाब देता हूँ। पहले का ये है कि मैं मतलब मजाक करना मुझे पसंद है, मतलब इजी रहता है, मुझे लगता है कि अदरवाइज़ बहुत टेंशन है लाइफ में, थोड़ा हंसी मजाक कर लें तो लाइटर रहता है। तो वो हंसी मजाक में उनका जो एक आवाज़ और वो है मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़नी लगता है और यूनिक सा है, तो इसीलिए मैं वो करता था। और उससे शुरुआत ऐसी होती थी कि उसी के साथ बात करता था उसी के ऊपर, जो फिर ऐसा लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। बट जहाँ तक बात है उसके इंसान की, मुझे लगता है कि आपके साथ गलती एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, तीन बार हो सकती है कि आपका कंट्रोल नहीं है, बट अगर आपके साथ जैसे वो इंस्टेंस हुआ कि मैंने वल्नरेबल होकर उनको एक ना चाहते हुए, मतलब सोचा नहीं, मुझे लगा उसमें अच्छाई तो है, यही सोचा मैंने कि जैसे कहते हैं, और मैंने उसको अपना एक एक्सपीरियंस बताया लाइफ का जो मेरे लिए काफ़ी इमोशनली लो था फेस, और उसने सिर्फ उसको एक्सप्लॉयट नहीं किया, उसने घुमाकर मुझे कर्स भी किया। और बहुत ही सेम सिचुएशन में थी जब हमारी इज्जत बात हो रही है, तो मुझे समझ आया ये तो बेवकूफ़ी मेरी है, ये इस लायक नहीं कि मैं इनसे दिल की दो बातें कर सकूं। सो मैं सच बता दूँ, मैंने ये आई डोंट नो कि अगर ये दिखाया गया या नहीं, जब ये हुआ तो मुझे मैंने कोशिश की कि लाउड रहकर इस बात को कवर करूँ और डिस्क्लोज नहीं करूँ, बट अंदर से मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है यार, मतलब आप एक गेम के लिए आपका कोई लेवल ही नहीं है कि जो आप नहीं करो, आपको लगे कि इस लेवल तक गई है, उसके बाद अगली बार और नीचे जाएगी और फिर और नीचे जाएगी, और कोई है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है वो कहाँ तक, कितनी गंदगी है उस इंसान के अंदर और कितनी छोटी सोच है। एक्चुअली यही था कि वो नीच सोच, वहीं तक बात थी कि कितनी नीच सोच है इसकी जो ये ऐसा करती है और ऐसा बोलती है, और फिर जब वीकेंड का वार हो रहा आ रहा होता है तो सॉरी हो जाती है, जाकर सबसे बोलनी शुरू कर देती है। तो ये बहुत ही एक प्लान्ड है, और उससे दिखता है कि वो इंसान के अंदर क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, या वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बोल रही है, जो इस हिसाब से वो बोलती ही रहती है गंदगी हर बार खुरेद के निकालती है, वो बहुत ही उसके लिए बहुत यूज्ड टू है ये लैंग्वेज। और आप इसको अगर आप कहेंगे जस्टिफाई करके, कल को आप नेशनल टेलीविजन पे कोई भी कहेगा अरे मैंने गुस्से में बोल दिया, क्या वो जस्टिफाइड है? वो नहीं है, आपने एक बार करके गलती कर ली, दो बार होगी, आपका ये तरीका ही ये है। इनफैक्ट जो आप आकर वीकेंड से पहले सॉरी बोलते हैं वो झूठ है आपका, ये आपका सच है और वो है अर्चना। इसीलिए सब कहते हैं कि यार वो कुछ भी कर लो इस लेवल पे नहीं जाओ, इससे बेटर है कि इसकी तरफ, और मैंने जो डिसाइड किया कि एक मिनट भी नहीं। और जब बात आती मेरी फैमिली की, मुझे यही था कि यार मुझे मेरा सच पता है, मतलब मिसकैरेज होता है तो वो इसलिए होता है बिकॉज यू आर केपेबल और या इंस्टेंस हुए, विच इज़ वेरी कॉमन नाउडेज। और मुझे, मेरे को पता है, मेरी फैमिली को सच पता है, वाइफ को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मुझे किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ जो थी वो ये थी, जब सो व्हेन वी वर प्रेग्नेंट मेरे माँ बाप बहुत खुश थे, यू नो लाइक एवरी अदर पेरेंट, और उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। और जब मिसकैरेज हुआ तो
वो सडनली एकदम बहुत ज़्यादा लो हो गए इमोशनली. तो मैं अपने माँ बाप को ऐसे लो नहीं देख सकता हूँ, मैं वैसा इंसान हूँ. तो वहाँ पर भी रह के मैंने कहा मैं खुद को तो संभाल लूँगा और हमें पता है सच्चाई, बट मेरे माँ बाप जब ऐसे सुनेंगे बात और ऐसे कर से सुनेंगे तो वो आई होप कि अपना कंपोजर संभाल रख पाएँ और संभाल पाएँ. तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार शी इज़ नॉट वर्थ इट. नहीं मैंने नहीं बोला कि नहीं आपने गलत सुना है, मैंने नहीं कहा कि हाँ ठीक है, मैंने कहा आपकी माफ़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है क्योंकि आप फिर करके दोबारा से माफ़ी मांगेंगे और ये माफ़ी मुझे झूठी लगती है, इसीलिए मैं आपसे एक मिनट भी बात नहीं करना चाहता हूँ. इट इज़ नॉट वर्थ इट, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे. मैंने उनको कोई माफ़, मैं उस चीज़ से ऊपर हूँ कि मैं कुछ उनको माफ़ करूँ या नहीं करूँ, वो उसका कर्म है जो उसने किया है, जो मैं अपने आप को रोक सकता हूँ. मैंने उसके बाद भी कोशिश यही की है कि मैं अपनी डिग्निटी संभाल के रखूँ. अगर ऐसे कमेंट में जो मुझे लगता है कि माँ बाप पे और ऐसा है दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी मैंने उसकी डिग्निटी मेंटेन रखी है. ऐसी लड़की की जो मौका नहीं छोड़ती किसी की तरफ गंदगी फेंकने का और किसी भी लेवल तक जा सकती है, बट फिर भी तो मैं अपनी तरफ से यही कर सकता हूँ. और इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी को लिए कभी किसी के सेंटिमेंट्स ऐसे इस लेवल तक जाकर या किसी जाति या कास्ट या क्रीड के अगेंस्ट जाकर कभी ऐसे नहीं बोल सकता, सोच भी नहीं सकता कि मुझे बोलना है. So, विकास इस सीजन में कई बार ऐसा बोला गया है कि चाहे वो प्रियंका हो, अर्चना हो या सौंदर्या हो कि बहुत बायस हैं, और इसी बात पे साजिद खान ने बोला था अर्चना के लिए कि अर्चना कुछ भी कर ले अर्चना नहीं जाने वाली. तो क्या आपको लगता है कि इस चीज़ में अर्चना को सपोर्ट मिल रहा है? एक क्वेश्चन तो उसको भी पूरा पूछने दे, एक तो पूछने दे. नहीं मैं ऐसे ऐसे आधा जवाब दूं जी, एक बार पूछ लेंगी दोबारा प्लीज. जी तब भी उन्होंने कहा था, और ये कहा था कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी बोलो या वो कुछ भी बोलेगी तो भी उसे निकाला नहीं जाएगा, तो उसके अगेंस्ट उसके लिए बिग बॉस बायस है, तो आपको क्या लगता है? ये इस बार बिग बॉस मेरे हिसाब से तो हर साल खेलते हैं, इस बार मान रहे हैं कि वो खेल रहे हैं तो ये उन्हीं के हाथ का गेम है. और मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करता हूँ, मुझे लगता है सिर्फ यहाँ नहीं, काफ़ी हद तक जैसे बिग बॉस खिलाना चाहते हैं वो बायस हो जाते हैं, बट आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट. वो उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की गेम है, वो जैसा चाहे वैसा खिलाएं और यही गेम है. बट मुझे लगता है कि एक बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका शो इस हद तक नीचे गिर जाएगा तो कहीं वो शो के लिए जो इज्जत और रिस्पेक्ट है व्यूअर्स में, कहीं वो ना नीचे गिर जाए. तो क्योंकि अगर अभी तक तो ले रहे हैं, बट अगर पेरेंट्स ने या बड़ों ने देखना ये शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी लांछन लगाई जा रही लोगों पर और ऐसे कर्जे दिए जा रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे टेस्ट में है. तो मेरे मुझे लगता है कि देखिए ये गेम ना बहुत अनप्रडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते कि कौन एडिक्ट होगा या नहीं होगा, बट अगर मैं कहूँ कि कौन इन्वॉल्व था मुझसे कम तो वो बहुत सारे लोग हैं, और जिनके पास कोई गेम ही नहीं था और कोई था ही नहीं उनकी सच्चाई और चीज़ें करना, वो हैं सौंदर्या, शुजिता और निमृत. हाँ, और मुझे अगर लगे कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्ट हो जाने चाहिए, इनके नकाब उतरने चाहिए, और आई होप कि आने वाले कुछ वीक्स में उतरें ताकि जनता तक वो सच्चाई पहुंच पाए. लास्ट क्वेश्चन, किस रूप में किसको देखते हैं? क्या मैं बोल दूँ खुद को? ऑनेस्टली आई फील लाइक अ विनर, क्योंकि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं मुझे और इतने ही कम समय में आप सब जो सच में इतनी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, आई एम थैंकफुल. बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं चाहूँगा कि अब्दू जीते. मुझे अब्दू, चाहे वो मुझे गलत समझे या सही समझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे लड़का लगता है कि बहुत अच्छा है, खुदा का बंदा है, और उसका जो दिल है वो सही जगह पर है, उसने अपनी अच्छाई शुरुआत से अभी तक बरकरार रखी है, तो मैं तो चाहूँगा वो जीते. आपके वो बैग में क्या है, क्योंकि माइक से ज्यादा आपने वो फैनी पैक लेके घूमे हो घर में, तो वो बैग में क्या था? ये सबको जानने की क्या था वो बैग? आप सबके लिए, सबको तो नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए
कुछ राज राज ही अच्छे रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज बता दो जो यू नो ऑडियंस इसे समझ जाए, हां चलो ठीक है ये कि बैग में पांच चीजें हैं लेकिन इसमें से ये एक चीज है, चीज बता दीजिए। मैं आप सबका प्यार उसमें लेके घूमता हूँ, जो उसको अपने सीने से लगा के रखा है मैंने थ्रू आउट। जी आप सबको मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और आप सबको बहुत सारा प्यार, आपकी फैमिलीज को बहुत सारा प्यार, और मैं आपके लिए सबसे सबके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि आपने मेरी तरफ इतना प्यार दिया है, मेरी सच्चाई आप तक पहुँची है और आपका सपोर्ट मेरी तरफ रहा है। आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है मेरे लिए। प्लीज़ अपना ये जो प्यार है इसको बरकरार रखिए एज़ अ फैमिली। हमें बहुत लंबी जर्नी साथ में तय करनी है, अभी ये तो बस शुरुआत है, और इसे बरकरार रखिए। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।